दोस्तों काफी बड़ी न्यूज आ रही है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। घाटे में चल रही बैंकिंग व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार बैंकों का विलय कर रही है। अभी हाल ही में 3 राष्ट्रीय बैंकों के विलय के बाद सरकार की नजर अब ग्रामीण बैंकों पर लगी है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि RRB के एकीकरण की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। सरकार का इरादा RRB की संख्या को मौजूदा 56 से घटाकर 36 करने का है। इस बारे में केंद्र ने राज्यों के साथ विचार विमर्श शुरू किया है क्योंकि क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों के वह भी प्रायोजक हैं। इसके अलावा प्रायोजक बैंक किसी एक राज्य के भीतर स्थित RRB के आपस में विलय की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। RRB के प्रस्तावित एकीकरण के तहत उनकी संख्या को 56 से घटाकर 36 पर लाया जाएगा। इससे RRB की दक्षता और उत्पादकता बढ़ेगी और साथ ही इन बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारी जा सकेगी, वित्तीय समावेश को बेहतर किया जा सकेगा और ग्रामीण इलाकों में कर्ज का प्रभाव सकेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन RRB अधिनियम 1976 के तहत किया गया है। इनके गठन के पीछे मकसद छोटे किसानों, ग्रामीण श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों को कर्ज तथा दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% की है, जबकि 35% हिस्सेदारी संबंधित प्रायोजक बैंक की और 15% राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लेकर। इस वक्त जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनकी संख्या है 56 और उनमें से 20 बैंकों को खत्म करके केवल 36 बैंकों को रहने दिया जाएगा और इन बैंकों के एकीकरण से काफी फायदा हो सकता है। और अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपके हिसाब से इन बैंकों के एकीकरण से क्या फायदा होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।